Hello students, today we will learn about alternate segment theorem or tangent chord theorem. इस थ्योरम को दो नाम से जाना जाता है, एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और एक टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। स्टेटमेंट: इन एनी सर्कल द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड and a tangent through one of the endpoints of the chord is equal to the angle in the alternate segment. Here we draw a circle with center O. PQ is the tangent to a circle with center O at the point of contact C. AB, BC and AC are three chords. According to statement, in any circle, the angle between a chord and a tangent chord or tangent के बीच में बनने वाला एंगल chord and a tangent through one of the end points of the chord is equal to the angle in the alternate segment. Alternate segment इसका ये हो गया, जैसे कि एक सर्कल होता है, कोई कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद दो सेगमेंट्स बनते हैं, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो इस कॉर्ड के द्वारा ये माइनर सेगमेंट बना, इस सेगमेंट में टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होगा इस कॉर्ड के दूसरे सेगमेंट में बनने वाले एंगल के। तो ये कॉर्ड यहाँ पर जो एंगल बना रहा है और ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक इसी तरह से ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल यहाँ पर बना रहा है और यही कॉर्ड यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, मींस अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। Let a circle with center O.
PQ is a tangent to this circle. At the point of contact C, AB, BC and AC are chords of a circle. To prove angle PCA equal to angle ABC or angle BCQ equal to angle BAC. Construction: draw radii OA and OC. Draw OM perpendicular to AC. Proof: in the given figure, OA equal to OC radii of a circle. Which implies angle OAC equal to angle OCA equal to angle 1C. Because angles opposite to equal sides of a triangle are equal. So angle OAC and angle OCA equal to 1, इनको 1 एंगल 1 कहा गया है. दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. नाउ एंगल ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल सी ओ एम
इक्वल टू एंगल टू सेम। अब इसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी एम ओ के। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय सी पी सी टी ये दोनों एंगल, एंगल ए ओ एम एंगल सी ओ एम, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हुई हैं क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस हैं जो कि इक्वल हैं, ये कॉमन लाइन है और एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई, बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। नाउ एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल वन और एंगल टू का सम 90 डिग्री है क्योंकि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाकी दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए ताकि तीनों को प्लस करके 180 डिग्री बन सके। बिकॉज एंगल ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्राइंगल। इसी तरह से यहाँ भी एंगल वन और टू का सम 90 डिग्री हो गया क्योंकि इस ट्राइंगल ओ सी एम में एंगल एम 90 डिग्री है, तो एंगल वन प्लस टू इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस रिज़ल्ट को रिज़ल्ट वन हम लिख देते हैं। नाउ एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दिस इज द एंगल ओ सी पी। हम जानते हैं कि किसी सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो उस सर्कल का रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे ये एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। अगर इस सर्कल का रेडियस इस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मिलता है तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ओ सी रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट है, सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ओ सी परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो गया। बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इस रिज़ल्ट को हम दूसरा नंबर दे देते हैं। फ्रॉम वन एंड टू एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल थ्री। एंगल वन दोनों माइनस होकर ज़ीरो हो जाएंगे,
तो बचेगा एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। ये हमारा थर्ड रिज़ल्ट हो गया। एंगल टू का मतलब है यहाँ पर एंगल एम ओ सी, इक्वल टू एंगल थ्री का मतलब है यहाँ पर एंगल पी सी ए। अब एंगल एम ओ सी, एंगल एम ओ सी जो है ये एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। अब इसका रीज़न क्या है? एंगल एम ओ सी जो है एंगल ए बी सी के इक्वल होगा क्योंकि किसी भी सर्कल में कोई भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है, यही कॉर्ड सर्कल के ऊपर जब एंगल बनाता है तो ये एंगल इस एंगल का, यानी सर्कल के ऊपर बनने वाला एंगल सेंटर पर बनने वाले एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ पर एंगल टू, एंगल टू इस एंगल का हाफ ये है और ये अब इसके इक्वल हो गया, यानी ये भी टू हो गया। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि एंगल ए बी सी यानी अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल जो है वो आपस में इक्वल होता है। अब इसका रीज़न यहाँ पर लिख देते हैं। बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड और एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by it on the circle. इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर एंगल ए ओ सी जो है वो डबल होगा एंगल ए बी सी का क्योंकि ए सी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है ए सी कॉर्ड के द्वारा सर्कल के ऊपर बनने वाले एंगल का। तो इस टू को अगर इधर ले आते हैं तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी बना इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब ए ओ सी का हाफ हम इस एंगल को भी ले सकते हैं और इस एंगल को भी ले सकते हैं, यानी एंगल टू या फिर कह सकते हैं एंगल एम ओ सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो इस तरह से ये अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी क्यू इक्वल टू एंगल बी ए सी। यहाँ पर कॉर्ड बी सी के द्वारा टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है इसी कॉर्ड से अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हेंस प्रूव्ड।